नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। सबसे पहले करेंगे आज के श्रीनाथ जी के श्रृंगार के दर्शन। नगर पालिका के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने किया पद ग्रहण। सांस्कृतिक आयोजनों के साथ नाथद्वारा खेल कुंभ का उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। आओ गोपाल सिंगार। आइए सबसे पहले श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी श्री गोवर्धनेश जी महाराज कृत सात स्वरूप का उत्सव है। आज उत्सव है, अतः सभी द्वारों पर देहली मांडी जाएगी, बंदरवाल बांधी जाएगी, सभी समय जमुना जल की झारी जी भरी जाएगी, दो समय थाली की आरती आएगी, गेंद चौगान दीवाला सभी सोने के आएंगे। प्रभु श्रीनाथ जी को आज वस्त्रों में चाकदार वागा चोली सूथन लाल खीन खाप के धराए जाएंगे। श्री मस्तक पर हीरा की कूल्हा टकमा हीरा के मोजा जी पटका केसरी ठाड़े वस्त्र हरे धराए जाएंगे। पिछवाई लाल मखमल पर कांच के टुकड़ों वाली आएगी। गद्दल रजई लाल खीन खाप के धराए जाएंगे। आवरण सभी हीरा के आएंगे, वनमाला का श्रृंगार रहेगा, सब आवरण उत्सव वाले धराए जाएंगे। कली कस्तूरी की माला आएगी, श्रीमस्तक पर सुनहरी घेरा धराया जाएगा, चोटी हीरा की आएगी, वेणुवेत्र हीरा के आएंगे, एक पन्ना का रहेगा, आरसी चार झाड़ वाली आएगी, पट उत्सव की गोटी जड़ाऊ आएगी। विशेष में भोग में गोपी वल्लभ दही थड़ा का आएगा, दूधगर की हांडी केसरी पेठा मीठी सेव आदि प्रभु को अरोगाई जाएगी। आज नाथद्वारा नगर पालिका के नव निर्वाचित अध्यक्ष मनीष राठी एवं उपाध्यक्ष श्यामलाल गुर्जर का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने की। इनके साथ राज्य सरकार के मंत्री उदयलाल आंजना अशोक चांदना एवं राजेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। मिराज समूह के CMD मदनलाल पालीवाल विशेष रूप से उपस्थित थे। नगर के कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर सहित कांग्रेस कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर CP जोशी ने नगर पालिका के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को उनकी जिम्मेदारियों का बखूबी एहसास करवाते हुए नगरजनों का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने समझदारी पूर्वक पार्षदों का चयन किया है। बाद में उन्होंने दोनों ही पदाधिकारियों को उनके कक्ष में ले जाकर उनकी कुर्सी पर बिठाकर पदभार ग्रहण करवाया। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह उपाध्यक्ष के कक्ष का है। यह दृश्य अध्यक्ष के कक्ष के हैं जहां पर उनको पदभार ग्रहण करवाया गया। अब सुनिए इस अवसर पर डॉक्टर CP जोशी ने क्या कहा। सम्मानी चांदना साहब, सम्मानी राजेंद्र जी, काका साहब, लीलाधर जी गुजर, लाला राम जी, मंच पर बैठे हुए अन्य नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान साथी, सभी नव निर्वाचित पार्षदों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और नागवारा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सूझबूझ से पार्षदों को जिताया, उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक। नव निर्वाचित पार्षद चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब मिलकर नाथद्वारा के समुचित विकास का कार्यक्रम हाथ में लेंगे, वार्ड की समस्याओं का निराकरण करेंगे और नाथद्वारा के भविष्य में किस तरह का विकास हो उसकी कल्पना को साकार करने की कोशिश करेंगे। टाइटल हमारे पास नहीं है और टाइटल हमारे पास नहीं है तो सरकार किसी भी 10 साल 5 साल 15 साल बाद भी उस मकान को गिराने की हैसियत में आ जाएगी। हम ऐसा काम क्यों करें जिस काम से हमारा वित्तीय संसाधन भी खराब हो, हमारी नींद भी खराब हो और हम समझे कि आने वाले समय में हम चीज को आगे कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस विचारधारा को हमें बदलना पड़ेगा और इसीलिए समझने की आवश्यकता है कि वो 6,000 का प्लॉट आज सुखाड़िया नगर में जाकर देखिए कि सुखाड़िया नगर की क्या किस्त है। पहले सुखाड़िया नगर में जिन लोगों ने प्लॉट अलॉटमेंट कराया है उनमें 90% आदमी में तीसरी जनरेशन के लोग वहां पर बैठे हैं।
इस अवसर पर उन्होंने विशेष रूप से नगरवासियों को भरोसा दिलाया कि नगर के विकास के सभी आयाम पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि नाथद्वारा नगर महानगर के रूप में तब्दील हो। नाथद्वारा नगर के राबचा स्थित मिराज स्टेडियम में आज नाथद्वारा खेल कुंभ 2019 का शुभारंभ हुआ। इस त्रिदिवसीय खेल कुंभ के प्रारंभ की घोषणा राजस्थान राज्य के खेल मंत्री ने की। इस खेल कुंभ की अध्यक्षता डॉक्टर सीपी जोशी ने की। उनके साथ में राज्य के तीन और मंत्री उदयलाल आंजना, अशोक चांदना एवं राजेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन राजसमंद द्वारा आयोजित नाथद्वारा खेल 2019 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। साथ ही आसमान में गुब्बारे उड़ा करके डॉक्टर सीपी जोशी ने खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई। शपथ लेते हैं कि जिला प्रशासन राजसमंद द्वारा आयोजित नाथद्वारा खेल कुंभ 2019 प्रतियोगिता के निर्धारित नियमों एवं विधियों की निष्ठापूर्वक पालना करते हुए ग्राम पंचायत, तहसील, जिला व राज्य के गौरव के लिए सच्ची क्रीड़ा भावना से भाग लेंगे। वहीं राज्य मंत्रियों ने भी खिलाड़ियों के साथ खेलकर उनका उत्साहवर्धन किया। यहां उल्लेखनीय है कि नाथद्वारा सब डिवीजन के लगभग 2000 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। यह थे आज के समाचार। मैं भाविका जोशी आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। कल फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। Thank you.